उसके पहले एक बड़ी खबर आती हुई और वो है रेलवे लैंड लीज पॉलिसी को लेकर, जहां पे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और यहां पे जो लीज की अवधि है उसको 5 साल से बढ़ाकर 35 साल किया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और साथ ही साथ लैंड लीज फीस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 6% से घटाकर इसको 1.5% करने की मंजूरी है। याद रखिएगा मार्केट में जो चर्चा थी इसके पहले 2 से 3% करने की चर्चा थी, उससे भी कम किया है, 1.5% के आसपास किया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और खासकर कॉनकॉर जैसी कंपनीज के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन या फिर इस सेगमेंट में किसी और बड़े इन्वेस्टर के आने के लिए ये पॉलिसी जो है काफी जरूरी थी और ये पॉलिसी को अब यहाँ पे कैबिनेट की हरी झंडी मिलती हुई। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में और खासकर 5 साल से जो अवधि है लैंड लीज की उसको बढ़ा के 35 साल किया है। ये तो सब जानते ही थे कि ये होने वाला है, सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी है, लेकिन वो जो लैंड लाइसेंस फीस कम किया गया है और वो काफी अच्छे तरीके से किया गया है, इसके पहले 3% का माना जा रहा था लेकिन 1.5% के आसपास उसको किया गया है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और एक कॉनकॉर के लिए खासकर अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट था। और इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे इसके चलते करीब 5.5% के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिल रही है। तो अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट आप कॉनकॉर पे देख भी रहे हैं, करीब 5% के आसपास की तेजी है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कॉनकॉर का जाने की राह थी वो शायद यहाँ पे अब पूरी तरह से क्लियर हो रही है, ये एक बात समझ में आ रही है। चलिए ये डेवलपिंग स्टोरी है, वैसे तो हमें मेजर चीज तो पता चली गई है कि क्या यहाँ पे देखने मिल रहा है और क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हाँ और भी कुछ अगर अपडेट आएंगे तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप नीचे टिकर पे भी देख सकते हैं जो जो अपडेट आ रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, कॉनकॉर पे भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए 5 पैसा के रुचित जैन जी जुड़ रहे हैं। रुचित जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी पूछू, उसके पहले कॉनकॉर पे मुझे बताइए 707 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है कि इनको लैंड लीज फीस जो है वो कम की गई है, जो अवधि है 5 साल से बढ़ा के 35 साल किया गया है। कॉनकॉर कैसे लगता है आपको, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पे नजर रखना है बताइए जरा। नमस्ते वरुण जी, पहले इस खबर का इंपैक्ट क्लियरली प्राइस पे भी देखा जा सकता है। नो स्टॉक में जो प्राइस अप मूव हर खबर के बाद आया उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और जो स्ट्रक्चर ओवरऑल भी है ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी स्टॉक का पॉजिटिव है, जिसमें 730 तक जो प्रीवियस स्विंग हाईस बनाए थे वहां तक ये स्टॉक कंटिन्यू रह सकता है। सो आई थिंक नो मोमेंटम वाइज नो लग रहा है कि स्टॉक में और तेजी कंटिन्यू रहेगी और 728-730 ये लेवल्स आप नो नियर टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हुई कॉनकॉर की, लेकिन ये फंडामेंटल एक बड़ा डेवलपमेंट है कॉनकॉर के लिए। तो और कैबिनेट के फैसले पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो देखते हैं उसमें और क्या एडिशनल चीजें निकल के आती है, लेकिन हाँ फंडामेंटल बड़ा डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और